बच्चे ही पाल लेते हैं हम रानियों के आचार। ब्याह करना सबना बिच आदर योग गिनिया जावे। आमीन। ब्याह करना सबना बिच आदर योग गिनिया जावे। बाइबल च लिखा है, बाइबल दो भागा च है, एक नू कहिंदे हन पुराना नेम, दूसरे नू कहिंदे हन नवा नेम। ये नेम है, ये टेस्टामेंट है। और जो ब्याह हुंदा है वो नेम हुंदा है, वो टेस्टामेंट हुंदा है। सो सारी बाइबल जो है ये ब्याह दे बारे च गल करती है। शुरू जित्थों बाइबल हुंदी है उत्थे ब्याह दी गल है, जित्थे बाइबल समाप्त हुंदी है उत्थे भी ब्याह दे बारे विच ही गलबात है। आमीन। सो ये वेखदे हां कि दुनिया च बड़े ग्रंथ हन, बड़िया धार्मिक किताबां हन, पर किसी च भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, ना आदमी की सृष्टि बारे और ना एक ही ब्याह शादियां जो होंगे हैं एक एक किमें हैं किदा हैं किसने शुरू किए और इसी तरह क्यों हैं। पर यदि स्पष्ट ते संपूर्ण समझ जानकारी बाइबल विच हमें, और फिर बाइबल इत्थे तक लिखा कि ब्याह जो है सबना दे विच आदर योग गिणिया जांदा। आमीन। आमीन। अजे कि लोग आयो हन जिस तरह के समय विच असीं रह रहे हैं, ब्याह दा कोई आदर सन्मान नहीं रहा। अजे देखांगे बाइबल दे विच कि ब्याह दा आदर क्यों करना है, पर मैं थोड़ा हालात तुहानूं आपे बताया कि ब्याहां दे बारे च कोई इन्ना आदर सन्मान जज्बात भावनावां कदर कीमत रही नहीं है। तो ब्याह अजकल आप ही होने लग पे हाँ, पिंड चारे दुआले गलियां चौसे महल जरा जिन्हों भी लेंदा और जाके चोरी ब्याह करवा लेंदे हैं। ये निरादर है, पिंड च निंदा होंगी आले दुआले रिश्तेदार, पर क्योंकि ये जेड़े इदा दे करते हैं उन्होंने कोई समझ नहीं होंगी है, इसलिए समाज की आंढ़ गुआंढ़ किस चीज की भी कोई कदर या सम्मान नहीं करते। बाइबल दसदी कि परमेश्वर ने धरती बनाई, लेकिन धरती तो पहला आसमान बनाए, आकाश पहला बनाए गए, जो कुछ आकाशां दे विच आसमानां दे विच बनाया गया जो कि अणदिस है दिखाई नहीं दिंदा, वो सब दूजे डिमेंशन च दूसरे खेत्र च की बनाया गया है उसनू समझण लई धरती दे उत्ते दिखाई देण वालियां चीजां बनाईयां गई है। जो कि पवित्र बाइबल साहब दसदी कि सारियां चीजां अणदिस चीजां तो बनियां, अणदिस जो कि दिखाई नहीं दिंदा। असी भी जो मनुख एक दिन अभी दिखाई नहीं देंगे सी माइक्रोस्कोप विच ही देखते हैं, क्योंकि अस ब्लड का एक छोटा कण सैला हमें, तो सब कुछ जो है ना दिसण वालियां चीजा तो बनिया है, और जो दिखाई नहीं देंदा वो परमानेंट है सदा दे लई है। जो कुछ भी दिखाई देंदा है ये टेंपरेरी है, परमानेंट नहीं है, समाप्त हो जाऊगा। हुण चाहे साडे घर हन, चाहे वह धरती ते आदमी हन औरतां हन या पॉपुलेशन है या फिर बहुत कारीगरियां हन बिल्डिंग्स हन बहुत ज्यादा होर इमारतां हन, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी दिखाई देता उसने सदा नहीं रहना, सदा किस चीज ने रहना जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, लिखा बाइबल में हमें, तब फिर ना दिसण वालियां चीजां तो जहान बने हैं, संसार बनिया है, और जो ना दिसण वाला वो परमानेंट है, वो संदीपक है, वो इटरनल है, वो अनंत है,
और वो हमेशा हमेशा रहने वाला है। फिर जो नहीं दिखाई दे रहा वो ही पक्का है, और जो दिखाई दे रहा उसने क्यों खत्म हो जाना है? मेरे पास देखो भैन सोनी, फिर भी कोई गल सुनिया करो, ठीक है? जो आंदे ने एक अद्धी सुन लिया करो। आमीन। जे हुण दिखण वालियां चीजां रहनियां ही नहीं है, परमानेंट नहीं हैं, तब फिर जो ना दिखण वाला है वो समझाउण लई ये है। एक किसे परपज लई है, पेड़ पौधे हवावा समुंदर। बाइबल च लिखा है कि समुंदर नहीं रहेगा, सूरज इकदे नहीं रहेगा, क्योंकि एदे परपज एदे मकसद एदा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आमीन। फुल मकसद दे लई हन। आमीन। धरती उत्ते कोई भी चीज है बिना उद्देश बिना लक्ष्य नहीं है। आमीन। और ये अनदेख चीजा नु समझाउण लई है, वो चीजा जो सानू दिसदियां नहीं है, वो चीजा साडी समझ विच आ जाए। मनुख दा दिमाग इन्ना ज्यादा नहीं है, मनुख दी समझ इन्नी ज्यादा नहीं है, परमेश्वर बुद्धिमान है, जो सदीपक है उसनु समझिया नहीं जा सकदा। हर एक चीज उसने अपने आप नु समझाउण लई बनाई है। रुख ओदा वर्णन करदे हां, हवामा ओदा वर्णन करदियां हां, वर्खा ओदा ही प्रगटावा है, सूरज चंद्रमा हरेक चीज उसनु पेश करदे हां। ए उसदे चरित्र दा बयान है। रोमिया दी किताब च लिखिया परमेश्वर नु कितियो लपण दी लोड नहीं है, परमेश्वर अपनी कुदरत दे विच लपदा है, क्योंकि उसकी कुदरत उसकी नेचर च उसका सुभाव ओदी कारीगरी प्रगट हुंदी है। प्रगट हुंदा है, हमें प्रगट हुंदा है कि उसने ओदा चरित्र किदां है, ओदा सुभाव किदां दा है। हमें जिदां दीआं चीजां दी बनाओगे ओ तुहाडे चरित्र नूं प्रगट करनगीआं। हमें धरती दे उत्ते ही जीवन है, वो किसे भी प्लैनेट ते जिंदगी नहीं है, पर धरती दे उत्ते ही जो जीवन है इत्थे ही मनुख दी होंद क्यों है? इस सब दे जवाब सिर्फ और सिर्फ बाइबल दे विच है। दुनिया दी किसे किताब च नहीं। मैं काफी किताबां पढ़ियां इधर उधर दियां बाइबल के अलावा, पर किते भी है नहीं। सारियां किताबां बाइबल को बाद में चाह जड़ियां बाद दियां हैं वो फिर बाद दियां हैं, जो मुडला है उसे विच मुडली जानकारी है। हमें तर एक किताब जो संपूर्ण है, जो हरेक चीज का वर्णन है, जो सृष्टि के भेद को दसती, जो ब्रह्मांड के भेद को दसती, जो मनुख धरती उत्ते आया उसे भेद को दसती, कदों आया किवें बनाया गया ये दस रहा है। तो बाइबल च लिखा कि जब पहले आदमी बनाया गया, औरत बाद दे विच बनाई गई, आदमी बहुत साल तक वो अनंत ज्यादा समा सी, वो भूतकाल पिछे इतरन की अनंतता की गल है। आदमी इकला ही सी, पर एक दिन परमेश्वर ने क्या कि चंगी गल नहीं कि आदमी इकला रहे, उसने आदमी दे विचों औरत नु कढ़िया। औरत आदमी का भाग है। आमीन। और जदों परमेश्वर ने आदमी दे विच औरत नु बनाया तां बाइबल च लिखिया आदमी ने क्या ये नारी अखवावेगी क्योंकि ये नर दे विचों कढ़ी गई। वुमेन, वुमेन दा अर्थ है वो जो मैन चो कढ़ी गई, आदमी चो कढ़ी गई। आमीन। और दा मतलब यही ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ ਜੋ ਅਨੰਤਤਾ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ
फरिश्तियां नूं स्वर्ग दूतां दी रचना करां। आमीन। और उसने की थी, उसने सारियां चीजां बनाईयां। और जो उसने आदमी नूं बनाया, लिखा परमेश्वर ने आदमी नूं अपने स्वरूप उत्ते और अपने वर्गा बनाया। आमीन। और जो परमेश्वर ने आदमी नूं अपने वर्गा बनाया, आदमी दे विचों औरत नूं कढ़िया, ये दसन लई कि परमेश्वर सी जो अनंतता च कला ही सी, पर एक दिन जो उसके पुत्र तियां या लोग बने उसके विचों निकले हैं। आमीन। सो सारी चीजा प्रगटावा। आमीन। और याद, परमेश्वर ने आदमी लई औरत नूं बनाया, उदो परमेश्वर ने कहा कि आदमी औरत एक शरीर हैं। आमीन। क्योंकि आदमी दे विचों औरत कढ़ी गई, उसके मांस चो मांस, उसकी हड्डी चो हड्डी, आमीन, उसके जीवन चो जीवन। देखो लिखा व्यादा आदर करो, नंबर एक ते ऐसे ही आदर एदा होना चाहिए कि व्याह जो है ये परमेश्वर दे राही स्थापित किया गया। आमीन। धरती दे उत्ते जिहड़े शादियां हैं, व्याह हैं, ये किसे आदमी दी काढ नहीं सी, किसे धर्म ने इदा नहीं किया, ये कुदरत ने इस तरह किया। कुदरत बनाने वाले परमेश्वर ने इन्हें इस तरह ठहराया और युगा युगा तो इसे तरह चल रहा, और आज हर एक धर्म ने बनाया। हूं तो मैं दसिया कि काम खराब हो गया, क्योंकि हर एक चीज का पतन हो रहा है, खात्मे ते हैं। तो इसका आदर होना चाहिए है, क्योंकि इन्हू परमेश्वर ने उत्पत्त किया, परमेश्वर ने किया, कायम किया। आमीन। एक आदमी हो, उसकी एक पत्नी हो। आमीन। ये भी प्रगटावा है, क्योंकि मैं तुम दसिया कि बाइबल विच लिखा कि आदर हो भी उहदा। आमीन। और परमेश्वर ने इन्हू ठहराया। एक होर गल, सब तो ज्यादा हमले ब्याह दे उत्ते, और इन्हां दिनां सब तो ज्यादा तलाक हैं, सब तो वध विश्वासघात ब्याहां दे मामले च कीता जांदा है। ये इदां क्यों है? पुराने समयां दे विच जदों ब्याह सी, हुण भी लोक ब्याह नूं सीरियस लैंदे हन, पर उस सब रिवाज या रस्म जहा बन के रह गया, फॉर्मेलिटी बन के रह गया, उसकी गहराई नहीं पता। टीवी कई लवाउंदे, तरीका कढ़दे, शुभ मुहूर्त कढ़दे, ये लंबा चौड़ा ब्याह दी तरीक रखण दा एक सिलसिला चलता है। ठीक है, इहदे बारे च बड़े वहम है, इस बारे च बड़े भरम है। और फिर जो ब्याह तय हुंदा, कितें जाना नहीं, आना नहीं, आ नहीं करना, वो नहीं करना। पुराने समय ब्याह के समय रोशनी लैके आले दुआले घूमते सी, मशालां होंदियां सी, अग लैके डोली के दुआले रहिंदे सी, लड़का लड़की के दुआले रहिंदे सी। हुण तां फैशन बनाया, रातां नूं ब्याह सोहणा लगदा तां लाइटां लगांदे, पर पुराने समय की गल करदा उदों इसे लई सीगा, क्योंकि उहनां दा इह मंगणा सीगा कि ब्याह के उत्ते भूत अटैक करदे आ, शैतान हमले करदे आ। और मैं इहदी हिस्ट्री नूं पढ़िया, इह हैरानी दी गल नहीं कि दुष्ट आत्मावां जो हन, जो शैतानी ताकतां हन हनेरे दियां, ब्याह ते हमला क्यों करदे आ? ब्याह तों उहनां नूं की प्रॉब्लम? किसे दा ब्याह हो रिहा, किसे दे नाल हो रिहा, उहनां नूं इहदे च की ऑब्जेक्शन है? ठीक है, तां उह क्यों हमले करदे? और हुण ब्याहां च तलाक इन्नी क्यों है, मिसअंडरस्टैंडिंग इन्नी क्यों है? क्योंकि ये उस तरह नहीं अटैक हुण शैतान कर रहा, तो हुण दूजे तरह अटैक है। हुण इस तरह अटैक होया ब्याह दे उत्ते कि सरकार दे वलों, कानून दे वलों और देश दे वलों इत्थों तक आग्या दे दित्ती गई कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रख सकदे, ब्याह तो इलावा तो कोई होर भी संबंध कितने रख सकदे। ये ब्याह ते अटैक है कानूनी तौर पर, ब्याह के अटैक है कानूनी तौर पे। जो ये क्या गया, कानूनी तौर पे आदमी आदमी नाल ब्याह करा सकता,
औरत औरत नाल शादी करवा सकती है। ये कानून वालों मान्यता दी गई है कि अटैक नहीं, ये हमला नहीं, उस तरह का नहीं कि उसे लाइट लैके अग लैके घूमन की तलवार फड़िया हो दुले नहीं कि अटैक होना हमला होना, पर ये है तो हमला ही, पर ये हमला क्यों है? ब्याह के सब तो बात हमले हैं, ब्याह नू तोड़न ले जो ही ब्याह होता है, ब्याह नू तोड़न ले तो ही लड़ाई जारी रहती है। क्या शैतान ने और ये शैतान रिश्तेदार में भी काम करता, चुगलियां राही काम करता, बड़े कई बारी कई खुश होते हैं। मैं तो दसना चाहना कि ये अटैक आन हमले आन और या फिर ऐसा नहीं तो ब्याह देता भी होता कि जो किसी का ब्याह होया है बाद पत्नी अपने पति तो संतुष्ट नहीं है और दिल से ख्याल होता कि मैनू ये तो बढ़िया मिल सकता सी, ये तो सोना मिल जाना सी, ये तो ज्यादा कमाई करने वाला नौकरी ते लगा मिल जाना ही मेरी योग्यता है, आदमी भी मुंडा भी कि मेनू सोनी मिल जानी ज्यादा मैं काली कर ले ये फिट नहीं मेरे लिए। और जो ते दिल च एक गल आ गई कि मेरे लिए पत्नी फिट नहीं है तो उदो ही काम खराब होना शुरू हो गया। और जो औरत दिल च आया कि ठीक है मैं तो वधिया मिल सकता रिश्ते हो सके मैं तेन टकराए आओ, पर मैं तुम दसना चाहना जो तुम पत्नी मिली है परफेक्ट है, जो तुम पति मिले परफेक्ट है, वो इसलिए परफेक्ट है, वो इसलिए सही है क्योंकि परमेश्वर ने ठहराया था। कुछ भी बाय चांस नहीं, आमीन। साडा एक दूसरे नाल मिलना तय है, साडा इतने बैठना तय है, मसीह जीवन में कुछ भी बाई चांस नहीं होता, सारिया चीजा परमेश्वर ने अपनी मर्जी दे नाल अपनी खुशी नाल अपने आनंद दे नाल पहला तो ठहराईया हुई हैं, असी ओदे मुताबिक अगे वधना हुंदा है। आमीन। सो जिथे तुसीं जुड़ रहे हो जो तुहानूं पत्नी मिली है जो तुहानूं पति मिलिया है जां जो मिलेगा नहीं मिलिया क्योंकि प्रभु ने ठहराया, परमेश्वर ने ठहराया, इसलिए असी ओदे लई वफादार रहना, ईमानदार रहना, आखिर तक खड़े रहना, क्योंकि जो ब्याह होता कहते दुख च सुख च मौत तक सदा तंगियां च मैं वफादार रहांगा, ये सौ खाधी जाती है परमेश्वर दे के शादी दे बगैर। आमीन। अटैक बड़े तरह सब तो शैतान जो है ब्याह बर्बाद करना चाहता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब दुनिया नु बनाया तब परमेश्वर ने लोकां दे नाल अपना संबंध जिहड़ा सी ये पति पत्नी वांग रखिया, ये ऐसा नहीं है कि जिदा पति पत्नी धरती ते आन बच्चे पैदा होण और कई जो दुनियावी चीजा, पर जो कुछ मैं दसिया दुनियावी वो तो खत्म हो जाना है, जो कुछ दिखाई देता वो तो खत्म हो जाना है, पर ये वो समझाने लई है जो आत्मिक है, जो शरीरक नहीं है, जो पर्दे के पीछे जो अनंतता चल रहा है। आमीन। जिवे रुख है ये रुख एक ना एक दिन खत्म होना ही है, ये रुख अनंत नहीं है पर एक रुख अनंत है। जबूर एक च लिखिया धर्मी लोग जो हन रुखा दे वांग लबानोन दे रुखा वांग लह लहौणगे। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन दा रुख हां। आमीन। तुसी मेरियां टहनियां हो, मैं अंगूर दी बेल हां। ता रुख जेड़ा है टेंपरेरी है, ये उस परमानेंट रुख नु प्रकट करन लई। आमीन। सारिया चीजा इसे तरह अही जो धरती के मनुख घर जो असि बना
ECC सीमेंट लाओ, ये तो ऊपर जो कोई है लाओ, अमरूजा लगाओ, TMT सरिया लियाओ, ठीक है, पठानकोट वालों क्रैशर लियाओ, मजबूत लियाओ, नीली रेता लियाओ, इधरों दरिया चो बढ़िया, और बढ़िया सारा करना चाहते असि, परमानेंट करना चाहते हाँ, गरंटी मांगते हाँ, लेकिन असि किन्ने के साल रहते हाँ, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो 90 तक लगा लो, पर एक घर चंदी परमानेंट नहीं रहते, घर भी एक दिन टूटता है, परमानेंट नहीं है, सो एक घर भी जो हम धरती दे किसे और घर में प्रकट करन ले, जो कि बाइबल च लिखा जो कुछ दिखाई दिंदा उसने खत्म होना है, इन समझन ले ये है कि जो ब्याह धरती देते ये परमेश्वर का प्रगटावा, क्योंकि जदों ही आदम दे ले पत्नी बनाई गई, पहले आदमी दे ले, उस आदमी ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि वो नबी सी, उसने क्या हुण आदमी अपने मापे छड़ के अपनी पत्नी नाल मिलिया रहेगा, बाइबल से लिखा। और मैं पूछना चाहता हूं कि कोई धरती ते अजय कोई जाति होवे, अजय कोई ट्राइब जा यो कोई धर्म होवे जिथे इदा नहीं हुंदा, सारी दुनिया ही नू मानदी, और जो आदमी का ब्याह हुंदा उस तो बाद अपने मां बाप तो पिछा छुड़ा ही लैंदा है, पर हो ही जाता है, अपना घर बनाना चाहता भरावां तो सब तो ये सारे घर दे, ठीक है, चाहे वो जंगलां च रहण वाले है कितने भी है, ये बाइबल च लिखिया, तो फिर बाइबल की गल तो सारी दुनिया ते लागू हो गई, क्योंकि जिन्या गल्लां लोक कर रहे इहदे च लिखिया उन्होंने पता नहीं कि आईया किधरों। आमें आदमी अपने मां बाप को छड के लिखिया अपनी पत्नी नाल खड़ा होगा, हुण मां बाप सब तो नेड़े दा रिश्ता मां बाप है, भैण भरावां दा रिश्ता है, बाइबल च लिखिया आदमी अपने भैण भरावां नू छड देवेगा, मां बाप नू छड देवेगा, पढ़ लैने आ, मैं पढ़दा उत्पत्ति किताब उत्पत्ति किताब मैं लगता दो बाप है, आदमी ने आख्या कि यह हुण मेरिया हड्डियां विचों हड्डी है और मेरे मांस विचों मांस है, तो ये इस कारण नारी अखवाएगी, क्यों जो नर विचों कढ़ी गई है, सो मर्द अपने मापे छड़ के अपनी तीवी नाल मिलिया रहेगा, अते ओ एक शरीर होणगे, ओ दो नहीं, या तो बाद ओ दो नहीं एक है, आमीन, जो तुहाडा ब्याह है जिन्हां नूं ब्याह उहनां नूं पता तुसीं अपनियां गल्लां जेड़ियां प्लान योजना हरेक चीज अपनी पत्नी नूं तां दसदे आ, ब्याह तो बाद अपनी मां नूं नहीं दसदे, अपने पिता नूं नहीं दसदे, तो सब तो नेड़े दा गूढ़ा रिश्ता केड़ा हो गया फिर पत्नी दा, आमीन, मां जिहने पालिया सब तो बाद फिक्र कीता, आमीन, उसको दूर होके ती अपनी पत्नी नूं मिलदे सारे, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, कुदरती है, क्योंकि जिन्हें कुदरत बनाई ये उन्हें गुण पाया था, स्वाभाविक क्या है, और मैं बात रहा हूं कि पूरी दुनिया है तो फॉलो कर रही मान रही, आमीन, तो लिखा क्यों दो जड़े एक ही होंगे, एक ही है दो जड़े एक शरीर होंगे, आमीन, असल की परमेश्वर ने जब आदमी नु लिया सानू सब नु लिया शरीरक चीजा ता आत्मिक चीज समझाने लिया है, क्योंकि जो दिखाई नहीं दिंदा जो अनंत है मरण हार दे समझ नहीं आ सकता, आमीन, आमीन, रात इस गल कर रहे सी भाई गगन और मैं रात दे 12 आमीन तो बाद लगभग आए संचित अमृतसर मीटिंग सी कि एक तारे ते अगर पहुंचना होवे धरती तो 30,000 लाख 30,000 साल लगे, वो भी ये लखा जो प्रकाश की स्पीड है सब तो तेज है,
ठीक है, लाइटली स्पीड सब तो परे है, प्रकाश की गति नु लखा मील बढ़ा दिता जाए, ठीक है, लखा मील बढ़ाने तो बाद 30,000 साल लगते हैं तारे तक पहुंचने, कि कभी पहुंच जाओगे 30,000 साल, 70 साल, 50 साल, 90 साल बाद तो बाद 100 साल जेड़ा या मंजे के उत्ते है वो तो उन्होंने ये भी नहीं पता घर की हो रहा है ना, इन्हू मनुख नहीं समझ सकते। 30,000 साल एक तारे तक पहुंचे जो लखा करोड़ा अरबा में दूर है, ता एक तारे तो दूजा तारा इतना ही दूर है, एक तारे तो दूजे तारे तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता, ये चीजा असंभव है। पर उन चीजा समझाने लिए परमेश्वर ने बहुत चीजा बनाई जो जिन्हें तो असि आम चीजा तो समझ सके, इसलिए नेचुरल इज ऑलवेज टाइप ऑफ स्पिरिचुअल। नबी ने कहा शरीरक जो है आले दुआले साडे ये हमेशा ही आत्मिक दा ढूंढना हुंदा है, शरीरक तो असि आत्मिक नु समझ सकदे हैं, सो परमेश्वर ने शरीरक बनाया सारा कुछ, ब्याह हो रहा आदमी सब को छड़ रहा अपनी पत्नी ना खड़ा हो रहा, और याद परमेश्वर अपने लोकां लैंदा है, एक अल्ला बाइबल बाइबल तो लोकां ने लिया है, ਕਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, इसे तरह पतियां भी चाहिदा है जो अपनी पत्नियां नाल अजिहा प्रेम करन जिवें अपने शरीरां नाल करदे हन, जिहड़ा अपनी पत्नी नाल प्रेम करदा है वो अपने ही नाल प्रेम करदा है, जो जो किसे ने अपने शरीर नाल कदे वैर नहीं कीता सगो ओ उस नु पालदा परोसदा है, जिवें मसीह दी कलीसिया नु जो जो असी ओदी देही दे अंग हां, इस करके मनुख अपने मापे छड्ड के अपनी पत्नी नाल मिलिया रहेगा, अते एक ओ दोवें एक शरीर होणगे, ए भेद तां वड्डा है पर मैं मसीह अते कलीसिया दे विखे बोलदा हां, सो पौलुस ब्याह दी गल कर रिहा और कह रिहा कि आदमी अपने मां बाप छड्ड देगा अपनी पत्नी नाल मिलिया रहेगा, उहदे क्या बहुत वड्डा भेद है, क्योंकि मैं ब्याह दी जो गल कर रिहा मसीह दी और ओदे चर्च दी गल कर रिहा, मसीह सिगा जिने स्वर्ग छड्या अपनी पत्नी नु लै, ये मसीह सिगा जो यहूदी सिगा, यहूदी उथे देश पैदा होया जिसने इसराइल नु छड्या, सानू पराईयां जातियां दे लोकां नु दुल्हन बनाउंदा, तो सारे प्रगटावे हां सारीयां चीजां कुछ समझण लई है, आमीन। व्याह ते इसलिए अटैक हां क्योंकि परमेश्वर दा अपना ਪਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਲੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਵੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਣਖ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਅਣਖਿਆ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੀਲੀਓ ਲਾਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
महाराज बड़े बन गए, हजूर साहब बड़े बन गए, तेरे बड़े बन गए हैं, ते लोग तुरे बड़े फिरदे आस दुआरे। परमेश्वर अणखी परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर चाहता उदे और साढ़े बिच गाए आई कितने होर तुरे फिरिए। परमेश्वर इको एक परमेश्वर आमेन। और वो बाइबल दा परमेश्वर इको एक सच्चा परमेश्वर आ, क्योंकि यही क्लियर करती सब चीजा बाइबल एक किताब। एदे चे सारे भेद समझ आते हैं, एदे चे कुदरत दा भेद समझ आता, एदे चे मनुख दा भेद समझ आता। यही दसती कि व्याह एक भेद है, और भेद क्यों आ, क्योंकि मसीह और दुल्हन का प्रगटावा है, मसीह और चर्च का प्रगटावा है। आमीन। तो इससे लई आई देखने की व्याह का आदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो रहा है। जो प्रभु यीशु मसीह आया तो जो दी पहचान करवाउन आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उन्हें क्या कि परमेश्वर का मेमना है संसार दे लई मरण लई आया, और देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप चुक ले जांदा है। ताले उन्हें लोकां ने क्या कि जेदी दुल्हन आ, आमीन, ओदी दुल्हन आ, मैं ता दुल्हे दा दोस्त आ, आमीन, पर दुल्हन ओदी है जो आ रही है। असि यीशु मसीह दी दुल्हन है, आई प्रभु यीशु अपना दुल्हा कहते हैं। दुल्हा दुल्हन पति पत्नी दे विच जो संबंध है। दूजे पास मत नहीं देख सकते, दूजे पास कुछ कर दे तो नहीं कर सकते, भक्ति के काम है। आमीन। नंबर एक तेरा आदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के राही पर स्थापित किया गया व्याह धरती देते। नंबर दो है परमेश्वर अपने भेद प्रकट करने के लिए है। आमीन। इसे शराबा पीते नचते तपते पुठे हो गए, डिग डिग बीमार हो गए। मैं कई बार क्या की जो खुशी है असली वो कभी किसी को छुपाती नहीं। खुशी नहीं जिन्ना जिद ना थक गए, या तो बाद अद्धे बीमार हुए होंगे या खुशी मना के, ठीक है। ये भी अटैच है करते कि बदमस्ती चाहे होंगे या छेड़खानिया होंगे, शराब पीते गाल कोई छेड़खानिया सारा इन सीरियस अगर अस लीजिए गंभीरता सोचिए एक ना एक तरह ब्याह के उत्ते ब्याह का निराधर है। इसे लिए जिमें आज शादी है इतने क्योंकि अस बाइबल मानते हैं, इनू ए कोई रस्म नहीं, कोई रीता नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई अडंबर नहीं, कोई पखंड नहीं है, क्योंकि ए, ए, एक तरह परमेश्वर महिमा देने साडा कट्ठे होना। आमीन। इत्थे गीत भजन गाउणा प्रभु की वडियाई लई, ब्याह शादी की गल करना ये सब दे रही। असि धन्यवाद कर रहे हैं कि पिता तेरा धन्यवाद, क्योंकि तेरा प्रगटावा है। इस दे लई पति जो पति बनता है और एक लड़की जो पत्नी बनती है, दोनों पति पत्ना ने पत्नी ने की करना है, उन्होंने अपने घर को स्वर्ग बनाना है, और उत्थे परमेश्वर वांग है, वो परमेश्वर दे वांग है, दोनों एक ही है, दोनों बल्कि एक ही है, वो रानी है, वो राजा है। जिमें अदन के बाग में आदम राजा सी, हवा रानी सी, और वो राज कर रहे सन। तो पांच मरले, दस मरले, पंद्रह मरले घर जिहड़ा है वो तुहाडा अदन है। उत्थे तुसी इंज जीणा च तां परमेश्वर हुंदे सी, परमेश्वर दा संपूर्ण प्रगटावा, और पत्नी ऐदा जिदा परमेश्वर दी दुल्हन आ उहदे वांग दोने की कर रहे अपने घर च पति पत्नी। उस अलौकिकता दे ब्रह्मंड दे छुपे हुए भेद नूं एक जोड़े च प्रगट किया जा रहा है कि पति ऐदा दा हुंदा है जो अपनी पत्नी लई खड़ा है। आमीन। जो आवारा नहीं है ना ही पत्नी इस तरह की है, ठीक है। दोनों की कर रहे उस मिस्ट्री जी रहे, एक मिस्ट्री, एक भेद जो अलौकिकता का है, अनंतता का है। हमें स्वर्ग का भेद क्या धरती के उत्ते एक जुड़े में जिया जा रहा, क्योंकि आदमी ऐदा जी रहा जिवें परमेश्वर है, पत्नी ऐदा जी रही है
ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਕਰੀਏ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਲਾਲਚ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾ ਲਈ, ਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਘਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਟੈਂਕੀ ਬੇਕੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨਲੈਕ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਂਭਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦ ਤੁਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਯਾਦਗਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਪੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਘਰ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉੱਭਰੇ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੀਆ, ਉਹਨੇ ਜੀਆ ਆ ਉੱਥੇ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆ ਵਿਆਹ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰਪਜ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਆ, ਮਾਇਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਰਸਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਆ, ਗੰਦ ਮੰਦ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੇ ਬਹੁਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਨਵਿਆਂ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ, ਆ ਲਓ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਾਦਰ ਆ ਵਿਆਹ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਆਹ ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਬਦਮਸਤੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਆਹ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਜਾਂ ਬਲੈਸਡ ਜਾਂ ਧਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ? ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਆਹ ਚ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਵਾਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਆ। ਆਮੇਨ। ਭਾਈ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਔਰ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸਹੀ ਆ। ਰੁਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਔਰ ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ
ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਫੁੱਫੜ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਆਹ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਦਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੋ ਲੋਕ ਸਭ ਛੱਡੋ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਪੁੱਠੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਭੂਤ ਆ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਸਫਲ ਮੁਬਾਰਕ ਧੰਨ ਬਲੈਸਡ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਚਰਚ ਦੀ ਏਦਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਚਰਚ ਦੀ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜੇ ਨੇ ਬਜਵਾਉਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੱਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੇ ਨੇ ਬਜਾਉਣੇ ਬਾਜੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸੁੱਖਿਆ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਬਾਜਿਆਂ ਚ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਗਾਣੇ ਔਰ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਅਨਾਦਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਆਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭੇਦ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਸਟਰੀ ਆ ਉਸ ਸੱਚੇ ਅਲੌਕਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਲਹਾ ਉਹ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਲਹਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਆ ਆਮੀਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਚੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਆ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਮੇਨ ਤੇ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਆ ਇਹ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਮੈਰਿਜ ਹੈਡਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਵਿਆਹ ਨੇਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਹਦਾ ਨੇਮ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸੋਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਖਿਆਲ ਲਿਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੂਸਾ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਮਿਲੀ ਸਪੂਰਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੜ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿੱਟਿਆ ਵੈਸਲੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਦੂਤ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੌਨ ਵੈਸਲੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚ ਪ੍ਰੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਨੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਿੱਧ ਆ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਸਿੱਧ ਆ
जो मिलना वो भी है और एक दूसरे के लिए इत जीना है परमेश्वर के वास्ते आमीन आदमी इत जीवे पत्नी का आदर करेगी जो तुम परमेश्वर के पुत्रवान जी रहे हैं आमीन आमीन पति तो प्यार करेगा जो तुम परमेश्वर दी पुत्रियां वांग जी रही हैं आमीन प्रभु तुम बरकत देवे प्रार्थना करते हैं बहुत गल्लां हन समझाइया जा सकदियां परमेश्वर साडा दुल्हा है पति है पति परमेश्वर है परमेश्वर पति है पर कि ओदा दी अणख है सानू पर जदो ये रस्मां रिवाजा च इधर उधर होंदे हां तां असीं किसे दूजे वल तुरे परमेश्वर रस्मां दी परवाह नहीं करदा जो रस्मां मन रहे रीता मन रहे रिवाज मन रहे हैं तां इह समझो ये परमेश्वर नूं छड्ड के किसे दूजे पति वल हो रहे जो परमेश्वर बुरा लगता है जो परमेश्वर दे लई हां तां फिर परमेश्वर दे लई ਵਿਆਹ ਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਤੀਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੋ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਮਿਸਟਰੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਭੇਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਹਨ ਔਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਭ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਵਿਆਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਭੈਣ ਭੂਜਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਭਨਾ ਚ ਆਦਰ ਯੋਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਇਸ ਘਰ